वहीं बैगा जनजाति की मौत मामले में कांग्रेस ने विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया है। इस मामले पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सियासी दबाव के चलते घटनाक्रम को दबाया गया है, घटना के पीछे बड़ी साजिश है और मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। कांग्रेस भी टीम बनाकर मामले का पर्दाफाश करेगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि मंत्रियों के क्षेत्र में आदिवासियों की हत्या हो रही है और ये स्पष्ट है कि राजनीतिक दबाव के चलते ही इस घटनाक्रम को दबाया गया और तभी तो उसको धारा 4-6 के तहत मुआवजा भी दिया गया और सारे घटनाक्रम को आप देखेंगे कि आनंद फानंद में वही खेत में पोस्टमार्टम कर दिया जाता है, वहीं बैगा आदिवासियों के परंपरा के विपरीत उसको अंतिम संस्कार किया जा रहा। जो स्थानीय पुलिस है वो षड्यंत्र करने में लगी हुई है, पहले भी षड्यंत्र करके इसको दबाने की कोशिश कर रहे थे और अब भी षड्यंत्र करने में लगी हुई है, तो इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच होनी चाहिए। दबाव बना रहे हैं, इस बात की जानकारी चाहते हैं, इस बात को जानना चाहते हैं, इस बात को सदन और प्रदेश के लोग जाने कि किस तरह से मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में, अध्यक्ष महोदय के क्षेत्र में आदिवासियों की हत्या हो रही है, बैगा आदिवासियों की हत्या हो रही है, जो माननीय राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाते हैं, ऐसे लोगों की भी अगर हत्या की जाती है और उसको दबाव बनाकर आत्महत्या का प्रयास किया जाता है, इस षड्यंत्र को जो किया है उसको हम सामने लाना चाहते हैं।